हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की कवायद तेज। जी हां, केंद्र सरकार ने देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए कवायद तेज कर दी है। सरकार ने इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए मामला विधि आयोग को सौंपा है ताकि व्यावहारिक रोडमैप तय किया जा सके। लोकसभा के अगले चुनाव 2024 में होंगे, जिसके साथ 6 राज्यों में भी चुनाव आने वाले हैं। वैज्ञानिकों ने बनाया खास बैंडेज, फटाफट भर देगा गहरे घाव। जी हां, IIT BHU संस्थान के स्कूल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के वैज्ञानिकों ने एक खास तरह का बैंडेज तैयार किया है जो गहरे घावों के अलावा जली त्वचा को भी ठीक करने में सहायक होगा। वैज्ञानिकों ने 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस बैंडेज को तैयार किया है। चूहों पर सफल ट्रायल करने के बाद अब मनुष्यों पर भी इसका ट्रायल जारी है। अब 17 वर्ष से अधिक उम्र के युवा भी दे सकते हैं वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन। जी हां, चुनाव आयोग ने कहा कि 17 वर्ष से अधिक के युवा अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि 1 वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए पूर्व आवश्यक मानदंड का इंतजार करना पड़े। मुसीबत में घिरे राशन कार्ड धारक, सरकार ने रद्द किए 2 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड। जी हां, केंद्रीय ग्रामीण विकास और उपभोक्ता राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राज्यसभा में बताया कि देश भर में 2017 से लेकर अब तक पिछले 5 साल में ड्यूप्लीकेट, अपात्र और जाली कुल 2,41,00,000 राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। यूपी में 1.25 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड रद्द हुए हैं। महाराष्ट्र में 21,03,000 राशन कार्ड रद्द हुए हैं। ब्रिटेन के पीएम पद की रेस में ऋषि सुनक को झटका, नए सर्वे में लीज ट्रस ने मारी बाजी। जी हां, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में विदेश सचिव लीज ट्रस ने भारतीय मूल के ऋषि सुनक पर अपनी बढ़त को बरकरार रखा है। ट्रस ने YouGov के सर्वे के अनुसार ऋषि सुनक पर 24 अंकों की बढ़त हासिल कर ली है। इससे पहले YouGov सर्वे के आंकड़े दावा कर रहे थे कि ट्रस ऋषि सुनक को 19 अंकों से हरा देंगी। यूपी में अब स्कूल यूनिफॉर्म में पार्क, मॉल और रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी एंट्री। जी हां, उत्तर प्रदेश के छात्रों को लेकर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक बड़ा निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार छात्र अब यूनिफॉर्म पहनकर सार्वजनिक स्थल जैसे कि पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट में नहीं जा सकेंगे। इस मामले में आयोग के सदस्य ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर इस पर रोक लगाने को कहा है। भारत ने कहा, कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा, पीओके से दूर रहे चीन। जी हां, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC को लेकर भारत ने फिर एक बार अपना कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने दो टूक कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसका अभिन्न हिस्सा है, इसलिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से होकर गुजरने वाली परियोजनाओं से कोई अन्य देश न जुड़े, क्योंकि यह उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का विषय है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।